नमस्कार मित्रों, आज विश्व पुस्तक दिवस है और हम किताबों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो किताबें हमारे जीवन में, हमारे घर के हर कोने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं, लेकिन कोरोना संकट के बाद पूरी दुनिया भर में किताबों पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं और ये पाया गया है कि इन किताबों ने हमें एक बेहतर और सकारात्मक ऊर्जा दी है। लेकिन अगर वैसे देखेंगे तो निश्चित तौर पर जो किताबें हैं उनको संचार क्रांति के इस दौर में उनकी अहमियत को हाल के सालों में कमी देखी गई है, लेकिन किताबें कभी भी समाप्त नहीं होने वाली हैं। तो चर्चा किताबों पर करने जा रहे हैं और आप ये जान लीजिए कि जो विश्व पुस्तक दिवस है इसको मनाने का सिलसिला ये यूनेस्को है, उसने शुरू किया था 23 अप्रैल 1995 से, और इसके बाद हमारे यहाँ 2001 से 23 अप्रैल से भारत में इसको मनाया जा रहा है। तो आज आप समझ रहे हैं कि जबकि लॉकडाउन में पूरा देश है तो उस तरह की कोई बातें नहीं हो पा रही हैं, उस तरह की कोई आयोजन नहीं हो रहा है पूरे देश भर में, दुनिया भर में ऐसा हो रहा है। लेकिन आज हम सब लोग कोरोना संकट के दौर में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अच्छी किताबों का क्या महत्व है और किस तरीके से अगर ये किताबें नहीं होती तो ये जो कोरोना संकट में हम कितने कष्ट में होते। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो पूरी दुनिया भर में जिस तरह की किताबें मौजूद हैं, आपको जिस तरह के विषय पर किताबें चाहिए वो उपलब्ध हैं। धार्मिक किताबों की दुनिया बिल्कुल अलग है। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे पूरी टेक्नोलॉजी की, तो भोजपत्रों से लेकर के और हाथ से बनी हुई कागज जो है, इसके बाद मशीनों से बने हुए कई तरीके के कागज, उन सब पर एक से एक रंग बिरंगी किताबें हैं। और अगर आप जो है कई जगह संग्रहालयों में जाएंगे तो पुरानी पांडुलिपियाँ सब आपको मिलती हैं और ये किताबें हमें ताकत देती हैं, ज्ञान देती हैं और ज्ञान के विस्तार में मदद करती हैं। और अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के जितने भी महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने इन किताबों के बारे में बहुत कुछ कहा है और ये किताबें ऐसे नहीं तैयार होती। इसके पीछे जो किताबें हैं उनमें वर्षों का श्रम है, ये ज्ञान भंडार ऐसे नहीं कही जाती हैं। तो इसलिए आप जिस फील्ड में दिलचस्पी रखना चाहते हैं किताबों को पढ़िए, समझिए, क्योंकि ये ठीक है कि बहुत सारे माध्यम आज हमारे पास हैं, ई बुक्स हैं, लेकिन इस सब के बावजूद जो किताबें हैं जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, किसी रूप में ले जा सकते हैं, कहीं भी तकिए के बगल में रख करके उसको पढ़ सकते हैं, जब कहीं यात्रा करने जा रहे हों तो उसको लेकर के पढ़ सकते हैं। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ भारत की अगर बात करें तो हमारे यहाँ 60 से 80 हज़ार के करीब किताबें हर साल छपती हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग तरीके के ज्ञान के, शिक्षा से लेकर के विज्ञान तक में। और उनमें से जो है काफ़ी बड़ा हिस्सा, यानी 80% तक ऐसी है जो कि भारतीय भाषाओं में छपती हैं, उसमें भी हिंदी प्रमुख है। तो आज भी अगर आप देखेंगे, मैं टेक्स्ट बुक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स में तो किताबें रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन बाकी अगर देखेंगे तो चाहे वो धार्मिक साहित्य हो या दूसरा साहित्य हो, किताबें जो है कहानी हो, कविता हो, उपन्यास हो या जो है बाकी विषय, ज्ञान के अन्य विषय हो, उनमें लगातार छप रही हैं। तो ये सारी बातें अगर आप देखेंगे तो मैं इसमें बताना चाहूँगा, ख़ासतौर पर जो गांधी जी जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि उनका कहना था कि 9 रत्नों से बढ़कर किताब जो है अनमोल रत्न है, मैंने उससे भी बड़ी है जिसकी कोई कीमत नहीं, गांधी जी का ये कहना था। वहीं दूसरी ओर जो टॉलस्टॉय ने जो बात कही है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि टॉलस्टॉय के भी रचनाओं का बड़ा असर गांधी जी पर पड़ा था। उन्होंने कहा कि एक बुरी किताब पढ़ना जहर पीने के समान होता है। तो अगर आप ये देखेंगे तो जो विश्व पुस्तक दिवस है वो कॉपीराइट डे भी है, आप लोग सब कॉपीराइट के बारे में जानते हैं, और आज ही के दिन जो है 23 अप्रैल 1564 को शेक्सपियर का निधन हुआ था, जो कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक हैं। तो इस तरीके से जब ये दिवस है इस समय हम न केवल किताबों की दुनिया के बारे में सोचते हैं बल्कि उनको लिखने वालों को भी याद करते हैं और उन प्रकाशकों को भी याद करते हैं जिनके मदद से हमारा जो है ये किताबें छपती हैं। तो इस तरीके से अगर आप ये देखेंगे कि आज के दौर में जबकि ये कहा जाता है कि संचार क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल दिया है,
हम किताबों से ई बुक्स पर आ गए हैं, तो भी अगर आपको पढ़ना है, आपको रास्ते निकालने हैं, तो आपके पास कोई ज़रूरी किताब है, लग रहा है ई बुक्स का ई फॉर्म में है, तो आप जाइए और आप इंटरनेट पर देखिए, किताबों को पढ़िए, और उससे जो ज्ञान हासिल करेंगे, जो ताकत हासिल करेंगे, वो आपको बताएगी कि अगर किताबें नहीं होती तो हम शायद आज यहाँ नहीं खड़े होते, हम दुनिया के अलग अलग हिस्सों को उस रूप में नहीं देख पाते जो आज हम देख रहे हैं। तो इस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि आज सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है, और मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। कई पॉलिटिशियन ने भी कहा ये बात, और जो धर्मगुरु हैं सदगुरु, उन्होंने एक टिप्पणी की है कि अगर आप किताब प्रेमी हैं तो लॉकडाउन अच्छा समय है, और अपनी कुर्सी पर बैठे हुए आप पूरी दुनिया की सैर कर सकते हैं। ये है किताबें, किताबों की ताकत, ज्ञान की ताकत। और विश्व पुस्तक दिवस पर आप सभी मित्रों को बधाई देने के साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपका जो किताबों का जो संग्रह है वो और ज़्यादा मजबूत हो, सुसज्जित हो, और आपका ज्ञान भंडार लगातार बढ़े। नमस्कार।